जैसे मैं आपको सी बकथॉर्न का उदाहरण देता हूं, आप सभी सी बकथॉर्न के बारे में जानते होंगे। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाने वाला ये प्लांट -40 से +40 डिग्री सेंटीग्रेड में कठोरतम तापमान को सहन करने की ताकत रखता है। चाहे जितना सूखा हो, ये अपने आप फलता फूलता है। इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो, या फिर सर्दी खांसी हो, सी बकथॉर्न से बनी अनेक तरह की दवाइयां इनमें लाभ देती है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में उपलब्ध सी बकथॉर्न में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की जरूरत अकेले ही पूरी करने की क्षमता है। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी है। सी बकथॉर्न का इस्तेमाल अब हर्बल टी में, जैम, प्रोटेक्टिव ऑयल, प्रोटेक्टिव क्रीम और हेल्थ ड्रिंक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों के लिए ये बहुत उपयोगी हो रहा है। सी बकथॉर्न से कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। आज इस मंच पर मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भविष्य में देश के जिस भी हिस्से को आप अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे, वहां ऐसे आपको अनेक प्रोडक्ट मिलेंगे। वहां आप अपने प्रयासों से आप एक मॉडल विकसित कर सकते हैं। कृषि छात्र से कृषि वैज्ञानिक बनते हुए वैल्यू